नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हाल तो कुछ और ही है। वहां पर बीते दिन 6 दिसंबर को हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस फोर्सेस को तैनात रहना पड़ा। क्या है पूरा मामला, जानिए आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र बेकाबू हो गए। छात्रों ने तमाम तरीके के विरोध किए, प्रदर्शन किए, दंगे किए यूनिवर्सिटी कैंपस में, और अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए। इसी के साथ साथ आक्रोश में और भी नारे लगाए। आपको बता दें, सुरक्षा के लिए कैंपस गेट पर तमाम तरीके के पुलिस बल मौजूद थे। स्टूडेंट्स यूनियन के जो हेड थे अबू सलीम ने बताया कि 1992 में जो उस समय की मौजूदा हुकूमत थी उसने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर घुसकर उसे हथिया लिया। बाबरी मस्जिद जिंदा है और जिंदा रहेगी, ये हम अपने आने वाले बच्चों को और नस्लों को भी बताएंगे। हमें जो जन्म जगह दी है बाबरी मस्जिद के लिए, वो हमें नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद जीवित है और जीवित ही रहेगी, आगे भी हम अपने बच्चों को ये बताएंगे। इसी के साथ साथ तमाम तरीके के स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, कैंपस के अंदर हो हल्ला किया और अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए। यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वहां पर इस उम्र में ये बच्चे बगावत कर रहे हैं। आज का दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने काले दिवस के रूप में बनाया। उन्होंने बोला कि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर उसमें घर घुसकर मस्जिद को हथिया लिया गया, और जिन लोगों ने ये काम किया वो आज एसी में बैठे हैं और हम लोग इसका नतीजा भुगत रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हम आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें, उन्होंने काला दिवस मनाया। बहुत ही अधिक संख्या में छात्र इकट्ठा हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के डक पॉइंट पर, ये सभी इकट्ठे हुए और इन्होंने तमाम तरीके से रोष प्रदर्शन किया। तो जहां पर पढ़ाई लिखाई होने चाहिए यूनिवर्सिटी में, वहां पर ये बच्चे अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है उसके दिमाग में किस तरीके से जहर घोला जा रहा है, और जहां वो पढ़ने जाता है वहां पर वो इस तरीके का रोष प्रदर्शन कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।